द लॉर्ड। आप सबको वेलकम है रात्रि काल की प्रार्थना में। सबको जय मसीह की। प्रार्थना को निरंतर सुनते रहिए। प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ खुदावन कि सुंदर मौका आपने फिर मुझे दिया कि मैं अपने लोगों के लिए आपसे विनती कर सकूं। प्रभु जी, इस रात्रि काल में प्रभु मैं आपके समीप आती हूँ। मेरे खुदा, आज मेरे लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य करिए। आप अद्भुत कार्य करने वाले सच्चे खुदावन हो प्रभु, और आपका वायदा है कि मैं तुझे निरंतर और निरंतर संभाले रखूंगा, और आप हमें पंखों की आड़ के तले छुपा कर रखते हो। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। बड़ी बड़ी गवाहियों को आप दे रहे, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद स्तुति हो। यहोवा हमारा न्यायी परमेश्वर है, उसको धन्यवाद करिए। वो ही हमारा चट्टान है, उसको धन्यवाद। मेरी गढ़ है, उसको धन्यवाद। वो हमें हर संकट से बचा के रखता है, उसको धन्यवाद हो। आप हमें प्रभु जी हर संकट से बचा कर रखते हो, आपको धन्यवाद हो। आप हमारे परमेश्वर हो, आप हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर हो। आपने प्रभु जी हमसे सच में अतुल्य प्रेम किया, उस सच्चे प्रेम के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आप अल्फा और ओमेगा हो, आपका प्रेम सच्चा प्रेम है, आपका प्रेम अगापे प्रेम है प्रभु। आपके तुल्य कोई नहीं, आपको धन्यवाद हो। धन्यवाद स्तुति, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ अपने हाथों को उठाकर, और इस समय मैं बोलती हूँ, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। सच में प्रभु, गहरे प्यार से तूने हमें प्यार किया। हर समय तूने हमें संभाला प्रभु, चाहे हमारी बीमारी, चाहे हमारी कमी घटी, चाहे अंधकार, चाहे प्रभु हम देखते हैं इस संसार में जो महारोग फैला है, हर समय आपने हमें संभाला। क्योंकि जो आपके वचनों को थामे रहता है प्रभु, उनकी उनको आप अपनी सुरक्षा दे देते हो प्रभु जी, क्योंकि वचनों में ही जीवन है। और प्रभु, जिसे हम खाकर और पीकर प्रभु तृप्त हो सकें, प्रभु आप हमें अपने सच में प्रभु अपने नई अभिषेक और नई करुणा से भर दीजिए। हमें हर रोज नया बनाइए, हर रोज हम आप में बढ़ते जाएं और अपने आप में हम घटते जाएं। मेरे खुदावन प्रभु, जब आज मैं वचनों की ओर जा रही हूँ प्रभु, तो इन वचन के द्वारा आज मेरे लोगों के जीवन में कार्य करना। आइए मेरे प्रियो, हम लोग देखेंगे लूका की पुस्तक 11 अध्याय और 9 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता वह पाता है, और जो खटखटाता उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे तो मछली के बदले उसे सांप दे, क्या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। ओ यस जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ क्योंकि प्रभु यीशु आपने हमें संभाला है। आपने कहा जब तू मांग तो तुझे दिया जाएगा, तू खटखटा तेरे लिए खोला जाएगा, तू ढूंढ और तू पाए। तो परमेश्वर, जब आज हम मांगते हैं तो आज आप हमारे लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य करिए, क्योंकि ये आप ही का वायदा है कि प्रार्थना में निरंतर बने रहो और मुझसे मांगो, और मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनकर तुम्हारे लोगों के जीवन में उत्तर को दूंगा। जब आपने हमें रखा है प्रभु अपने दास और दासी के रूप में परमेश्वर, तो आज मेरे लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य करिए। अद्भुत कार्य कीजिए प्रभु यीशु, मेरे यीशु राजा, आज आप कीजिए। इस समय में प्रार्थना करती प्रभु, जो आज लोगों के घरों में प्रभु सब प्रभु जी जादू टोना अंधकार की शक्तियां कार्य कर रही है प्रभु जी, जो उन्हें अंधकार की ओर लेके जा रही है प्रभु, हर एक जादू टोना यीशु के नाम से मैं कैंसिल करती हूँ अपने लोगों के जीवन से, चाहे उनकी मैरिज लाइफ में हो, चाहे उनकी जॉब में हो, चाहे उनके बच्चों के जीवन में हो प्रभु, चाहे वो बीमारी के रूप में जादू टोना कार्य कर रहे हैं प्रभु, सारा जादू
टोने को मैं यीशु मसीह के नाम से खंडित करती हूँ और प्रभु यीशु के पैरों के तले कुचल देती हूँ। आप मदद करिए। हालेलुया। यहोवा की वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की शहरपनाह ठहराऊंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा और परमेश्वर ने कहा हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल न होगा और जितने लोग मुदई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों को तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वह मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है क्योंकि यहोवा अपने लोगों को संभाल के रखता है और जो भी जादू टोना हमारे विरोध में किया गया है परमेश्वर उसको हमारे घरों से हमारे जीवन से तोड़ देगा। लेकिन जब आप इस प्रार्थना को विश्वास से ग्रहण करेंगे तब आपके जीवन में होगा क्योंकि परमेश्वर वचनों के द्वारा बातचीत करता है और वचन के द्वारा ही हमारे जीवन में कार्य होता है। तो आप निरंतर और निरंतर इस प्रार्थना में बने रहिए। हालेलुया। प्रभु आज मेरे लोगों के जीवन में सारे जादू टोने को कैंसिल करिए। अगर कोई भी प्रभु जी श्राप उनके जीवन में आए पाप के द्वारा तो सारे पापों को उनके जीवन से दूर कर दीजिए क्योंकि परमेश्वर आप अपने लोगों पे तरस खाते हो और प्रभु ने जीवन देते हो। प्रभु जी सारे अंधकार की शक्ति हमारे लोगों के घरों से दूर हो जाए। ओ प्रभु बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें रात को ऐसे लगता है कि हमारे घरों में कोई चल रहा हो हमें आवाजें आती हैं। तो यीशु मसीह के नाम से सारे डेविल स्पिरिट के कार्य को हम रिमूव करते हैं राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के नाम से इसी समय हर घर से निकलने पाए चाहे वो विरोध की आत्मा हो लड़ाई झगड़े की आत्मा हो। प्रभु यीशु इस समय हम देख रहे हैं कि हर घरों में जो प्रभु जी मेरे खुदा लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं ओ प्रभु अगर उनके पास जॉब है या बिजनेस है तब भी प्रभु वो सक्सेस नहीं है उसमें कोई आशीष नहीं है आप मदद करिए। मदद की प्रभु दुष्ट कार्य उनके घरों से निकलने पाए और वो आशीष को देखने पाए वो आशीष जो आपकी ओर से है यीशु राजा की ओर से है। आज हमारे लोगों के जीवन में कार्य करिए परमेश्वर परमेश्वर और जो बीमारी उनके शरीर में आई उनको नाश करने के लिए हर एक बीमारी यीशु नाम से यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए प्रभु क्योंकि आप मुर्दों में भी जान डालने वाले परमेश्वर हो। ओ प्रभु यीशु ओ मेरे खुदा आप लोगों पर तरस खाइए आप तरस खाइए ओ दाऊद की संतान मेरे लोगों पर तरस खा मेरे लोगों पर तरस खाइए उनकी सारी कमी घटे उनके जीवन से दूर हो जाए। ओ प्रभु यीशु जो कि जैसा हम देख रहे हैं परमेश्वर लोग अभी भी डरे हुए हैं प्रभु अभी हम जो देख रहे हैं प्रभु कि लोग सच में प्रभु बहुत ज्यादा भयभीत है परमेश्वर कि आगे क्या होगा आगे हमारे बच्चों के लिए क्या होगा। तो प्रभु उन्हें आज आप संभालिए क्योंकि जो यीशु की ओर अपने आंखों को लगाए रखते हैं सच में प्रभु उनके जीवन में किसी प्रकार की कमी घटी नहीं होती क्योंकि आप उन्हें निरंतर संभाले रहते हो। प्रभु आप मदद करिए और इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी मेरे खुदा मेरे यीशु राजा बहुत सारे लोग दुख और तकलीफों में हैं उनके घर अनाज नहीं है प्रभु बहुत सारे लोगों के घर ऐसे लोगों के लिए आप मदद करिए क्योंकि आपने कहा आपके वचन में जैसा हमने पढ़ा प्रभु जी प्रभु जी उस वचन के द्वारा आप कार्य करिए प्रभु कार्य कीजिए मेरे लोगों के जीवन में प्रभु जैसा कि हमने लूका में पढ़ा कि जब तुम्हारा संसारिक पिता तुम्हें अच्छी वस्तुएं देता है तो मैं क्यों ना तुम्हें दूंगा। परमेश्वर का वायदा है तुम मुझसे मांगो और मैं तुम्हें दूंगा। वो चाहता है कि हम मांगे वो चाहता है कि निरंतर हम उसके समीप बने रहें। तो प्रभु आज मेरे लोगों की जरूरत को पूरा करिए मेरी लोगों को जरूरत को पूरा कीजिए प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु आपके वचन में लिखा था जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। तो आज हम बोलते हैं परमेश्वर कि मेरे लोगों पर अद्भुत कार्य करे और वो पवित्र आत्मा से भरने पाए पवित्र आत्मा की सामर्थ से वो बलवंत हो जाएं और परमेश्वर उन्हें कोई परेशानी कोई कमी घटी कोई बीमारी कोई रोग कोई जादू टोना आपसे दूर ना करने पाए क्योंकि आप ही में छुटकारा है आपके ही प्रार्थना में आजादी है। प्रभु आप ही हो जो हमारे लोगों को शांति दोगे प्रभु जी और आपको हम धन्यवाद करते प्रभु कि आपने प्रभु जी हमें निरंतर और निरंतर संभाल के रखा। धन्यवाद हो मेरे सच्चे खुदावन
धन्यवाद हालेलुया, आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। और इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री के साथ जितने लोग जुड़े हैं प्रभु, सबके जीवन में आप कार्य कीजिए। जब आज रात को वो सोते हैं तो अच्छी नींद दीजिए परमेश्वर। और हमारी जहां जहां चल रही है प्रभु, हर सेवा को प्रभु जी आप ब्लेस करिए। और इस मिनिस्ट्री के साथ जितने लोग जुड़े हैं सबको ब्लेस कीजिए, सबकी जरूरतों को पूरा कीजिए प्रभु। और इस मिनिस्ट्री को प्रभु फाइनेंशियली स्ट्रांग करिए मेरे खुदावन, ताकि हम और ज्यादा लोगों के लिए कार्य कर सकें और लोगों के लिए मदद कर सकें। और परमेश्वर जिन हाथों ने अब प्रभु जी हाथ को बढ़ाकर आपके राज्य के लिए दिया, उन हाथों को बहुत ब्लेस कीजिए। और जो प्रभु देना चाहते प्रभु, उनकी कमाई में, जॉब में, बिजनेस में इतनी बरकत दे, इतनी आशीष दे कि अपने हाथों को बढ़ाएं। और प्रभु जब आपने हमें अपने दास और दासी के रूप में रखा है तो हम निरंतर अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते रहें। हम प्रार्थना करते रहें प्रभु, हम प्रार्थना करते रहें, कोई कमी घटी हमारे लोगों के जीवन में ना आए। सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और उत्तर को दीजिए। आमेन आमेन। सबको जय मसीह की। इस प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।